अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल गया है। ये चुनाव चिन्ह होगा झाड़ू। इस चिन्ह पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकेगी। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव के मैदान में उतर रही है और इसके पहले टीम अन्ना के साथ केजरीवाल ने कुछ राज्यों में चुनाव प्रचार का काम जरूर किया था। शरद शर्मा बता रहे हैं कि चुनाव चिन्ह का नाम लेकर कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का सफाया कर देंगे। जिस तरह से ये झाड़ू सड़क पर पड़ी गंदगी को साफ कर रही है, उसी तरह से आम आदमी पार्टी राजनीति में फैली गंदगी को साफ करेगी, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। क्योंकि पार्टी को उसका चुनाव चिन्ह मिल गया है और चुनाव चिन्ह है झाड़ू। और क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है उसका जो जन्म हुआ वो इसी सिद्धांत के तहत हुआ कि राजनीति के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो गंदगी फैली हुई है, उसको वो साफ करेगी। तो पार्टी को जब चिन्ह मिला है चुनाव चिन्ह झाड़ू, तो उसका ये कहना है कि वो झाड़ू बनकर जितनी भी गंदगी राजनीति में है उसको वो साफ करेगी। अच्छा, आपको पता है कि आपके हाथ में इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह है? ये तो हमारा काम है, हम तो अपना डेली करते हैं, उन्होंने चुनाव चिन्ह रखा है तो अच्छा नहीं। वैसे आपको खबर है ये कि ऐसा करके कोई चुनाव चिन्ह किसी पॉलिटिकल पार्टी का, दिल्ली की पार्टी का जो हाल ही में बनी है उसका चुनाव चिन्ह है? नहीं पता है, लेकिन अब आप बता रहे हो तो। अच्छा, तो क्योंकि इनको नहीं पता है तो इसलिए हम ये मानते हैं कि दिल्ली की जनता को नहीं पता है कि जो आम आदमी पार्टी है जो हाल ही में बनी है उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। और कोशिश पार्टी की यही होगी कि नवंबर में जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं तब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा दे, ये मैसेज कन्वे करा दे कि उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। और पार्टी ये कहकर ही प्रचार करेगी कि इस झाड़ू से हम राजनीति के अंदर जो गंदगी फैली हुई है, जो उसका चरित्र गंदा हो गया है, उसको हम साफ करेंगे। दिल्ली से क्या बसंत सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।